पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ जरूर है। यदि लोगों की इस मनसा को हम थोड़ा ध्यान से देखें और थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो एक बात हमें साफ साफ समझ में आती है कि लोग पैसों को जरूरी तो बताते हैं, लेकिन खुद को कभी भी पैसा परस्त नहीं बताना चाहते। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक हद तक तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन यदि वही पैसा एक हद से आगे चला जाए तो शायद फिर वो कुछ भी नहीं। अगर इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो पैसा जब तक हमारे पास नहीं है वो बहुत बड़ा है, और जब पैसा हमारे पास आ जाए तो वो शायद हमें उतना बड़ा नहीं लगता। इसीलिए पैसे के महत्व को देखते हुए विद्वानों तथा शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। यदि हम लोग इन नियमों का उचित तरीके से पालन करते हैं तो अपने जीवन में सुख एवं शांति को प्राप्त करते हैं। पैसे के महत्व को देखते हुए आचार्य चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। पैसों के संदर्भ में आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य के द्वारा कमाया गया धन या तो वो उसका उपभोग करे या फिर उसको किसी धन संबंधी कार्य में ही व्यय करे, यही धन की सबसे बड़ी रक्षा होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आप एक घड़े में पानी भर के रखते हैं और बहुत दिनों तक उसका उपयोग नहीं करते तो कुछ दिनों बाद वो पानी सड़ जाएगा, अर्थात खराब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बहुत से लोग धन तो संग्रह करते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। जब हम धन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर भला ऐसे धन का क्या फायदा। इसीलिए आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भविष्य के निवेश संबंधी कार्यों में लगाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी धन से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। हर मनुष्य को इन नियमों का उचित रूप से पालन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन ना तो हमें किसी से पैसा लेना चाहिए और ना ही हमें उस दिन किसी को पैसा देना चाहिए। मंगलवार का दिन कर्ज चुकाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन याद रखें इस दिन किसी से भी कर्ज न लें, क्योंकि यदि इस दिन आप किसी से कर्ज लेते हैं तो इससे आपकी आर्थिक समस्या बढ़ने लगेगी। ठीक इसी प्रकार बुधवार के दिन किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। यदि आप इस दिन किसी को पैसा उधार देते हैं तो आपके पैसे के डूबने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। एक बात को गांठ बांधकर याद रख लें कि रविवार के दिन किसी से भी कर्ज न लें, क्योंकि इस दिन के कारक सूर्य ग्रह होते हैं जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य देव को तृणहर्ता माना जाता है। यदि आप इस दिन उधार लेते हैं तो इससे सूर्य ग्रह नाराज हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार शनिवार के दिन की भी मान्यता है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन लिया गया कर्ज बहुत जल्दी चुक जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।